Hello everyone, how are you? I hope you are very well. So, I am your science teacher. My name is Brijesh Pandey. So, let's start the next topic. और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं उस स्टूडेंट का नाम लेना चाहूँगा इसने सबसे पहले रिप्लाई किया और बहुत ही अच्छा रिप्लाई किया. दैट नेम इज रिया. और अदर गार्जियन और अदर स्टूडेंट्स ने भी बहुत बढ़िया रिप्लाई किया था, लेकिन अपना नेम नहीं राइट कर पाए थे. तो प्लीज राइट योर नेम. तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन एयर. सभी प्लांट्स और एनिमल्स एयर को जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? एयर. ऑल लिविंग बीइंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सभी लिविंग थिंग्स जब सांस लेते हैं तो वो क्या लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन. और बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द टीनी होल्स ऑन देयर लीव्स. प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, लेकिन कैसे ब्रीथ करते हैं? वो ब्रीथ करते हैं टीनी होल्स से. और ये टीनी होल्स कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स में. कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स में. वेरी गुड, आगे चलते हैं. एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स गिल्स स्किन और एयर होल्स. एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं? एनिमल्स ब्रीथ करते हैं लंग से, गिल से एंड स्किन से एंड एयर होल्स. ओके, एनिमल्स लंग से ब्रीथ करेंगे, गिल से ब्रीथ करेंगे, एयर होल से ब्रीथ करेंगे या फिर स्किन से ब्रीथ करेंगे. ओके, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड जनरली ब्रीथ थ्रू लंग्स. जो एनिमल लैंड पे होते हैं, ठीक है, फिर से सुनिए, जो एनिमल्स लैंड पे होते हैं वो किससे ब्रीथ करेंगे? लंग से. किससे ब्रीथ करेंगे? लंग से. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. जो एनिमल्स वाटर में होते हैं वो किससे ब्रीथ करेंगे? गिल्स से. ओके, फ्रॉग दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. अब फ्रॉग तो लैंड पे भी होता है और वाटर में भी होता है, तो वो किससे ब्रीथ करेगा? ब्रीथ थ्रू द लंग्स गिल्स एंड स्किन. वो लंग से भी ब्रीथ करता है, गिल्स से भी ब्रीथ करता है और स्किन से भी ब्रीथ करता है. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रॉग के पास गिल्स भी होता है, लंग्स भी होता है और स्किन भी होता है. ठीक है, आगे चलते हैं. आंट्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स. आंट्स अपने एयर होल से ब्रीथ करती है. यहां पे एक चीज बता दूं कि जब फ्रॉग बच्चा होता है, टैडपोल होता है, उस टाइम वो गिल्स से ब्रीथ करता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो उसके गिल्स लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, आगे ये फ्रीग ये यहां पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, इन पिक्चर्स को आप ध्यान से समझिए. ये ह्यूमन किससे ब्रीथ करेगा? ह्यूमन के पास देखिए ये दो लंग्स होते हैं. आपके पास कितने लंग्स हैं? दो लंग्स. ये है आंट, इसके पास होते हैं एयर होल्स. इसकी बॉडी में आप देख रहे हैं ये डॉट डॉट दो डॉट डॉट बने हुए हैं. इनके बॉडी में ये एयर होल्स होते हैं. ठीक है, वहां से ब्रीथ करेंगे. ये फ्रॉग है, इसके पास मैंने अभी बताया ये लंग से भी ब्रीथ करता है और अपने स्किन से भी. और फिश कहां से ब्रीथ करती है? गिल्स से. ठीक है, ये देखिए यहां पे इसका गिल्स है, ये यहां पे क्लियर हुआ. आगे चलते हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड. लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता पड़ती है.
ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव. सभी एनिमल्स, सभी लिविंग थिंग्स जीने के लिए फूड लेते हैं. फूड हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू ग्रो. फूड लिविंग थिंग्स को ग्रो करने में हेल्प करता है. प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. प्लांट्स अपना फूड स्वयं बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर. एयर की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से. ओके. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. एनिमल्स अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं, वो प्लांट द्वारा बनाए गए फूड को ईट करते हैं. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स अदर एनिमल्स. एनिमल्स अपने फूड के लिए या तो प्लांट पर डिपेंड करते हैं या वो दूसरे एनिमल्स को ईट कर जाते हैं. यहाँ पे इस फिगर में हम लोग देखेंगे, ये प्लांट है, ये अपना फूड बना रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, और जब ये फूड बनाता है तो उसको ये छोटा सा एनिमल खा जाता है. अब इस एनिमल को ये लायन खा जाता है, ठीक है. और यहाँ पे ये देखिए, ये एलिफेंट है, ये अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड है, ठीक है. और इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये मैन यहाँ पे फूड ईट कर रहा है. ये क्या करता है, ये अपना फूड प्लांट से प्राप्त करता है और ये अपना फूड कुछ एनिमल से भी प्राप्त करता है, ठीक है. और ये जो लायन है, ये अपने फूड के लिए सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, दूसरे एनिमल्स पे. और ये फ्रॉग है, ये देखिए, ये यहाँ पे अपनी इसकी लंबी सी टंग्स होती है, उससे ये कुछ छोटे मोटे जो है एनिमल्स को पकड़ के खा लेता है. और ये है अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म अपना फूड कहाँ से लेते हैं, सॉइल से, ठीक है. आगे चलते हैं. लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स में वो लंबाई उनकी बढ़ती है. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं. दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज. वो जब ग्रो करते हैं तो उनका शेप और साइज दोनों चेंज होता है. एज दे गेट ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, अटर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे डाई. और एक निश्चित पीरियड के बाद वो मर जाते हैं. ए सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग. एक सीड पहले सीडलिंग में कन्वर्ट होता है एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे वो एक बड़ा ट्री बन जाता है. द एग ऑफ अ बटरफ्लाई चेंजेस इनटू अ कैटरपिलर. बटरफ्लाई पहले एग देती है, फिर उसका एग कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है एंड देन टू एन एडल्ट बटरफ्लाई, और फिर वो एक यंग बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है. एग ऑफ फ्रॉग्स. फ्रॉग्स के जो एग होते हैं ग्रो इनटू टैडपोल. वो पहले टैडपोल बनते हैं एंड देन चेंजेस इनटू एडल्ट फ्रॉग, और फिर वो एडल्ट फ्रॉग में बन जाते हैं. ए ह्यूमन बेबी ग्रोज इनटू यंग बॉय गर्ल. हम लोग मनुष्य के जो बच्चे होते हैं, ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं, वो पहले यंग बॉय और यंग गर्ल में कन्वर्ट होते हैं एंड बिकम्स एन एडल्ट वोमेन, और फिर मैन और वोमेन होते हैं. सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो. सभी प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं. ओके, आइए इस फिगर में देखते हैं. इस फिगर में हम थोड़ा समझेंगे. यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये प्लांट है, ये पहले सीड था, सीड से ये बेबी प्लांट में कन्वर्ट हुआ और फिर ये यहाँ पे बड़ा प्लांट बन गया. देन आफ्टर यहाँ पे बटरफ्लाई ने एग दिया और इसका एग यहाँ पे कैटरपिलर में चेंज हो गया, फिर ये प्यूपा बना और फिर यहाँ पे ये एडल्ट बटरफ्लाई, ठीक है. इसके बाद ह्यूमन में जानते हैं, तो ह्यूमन में क्या होता है, पहले बेबी आता है, वो बेबी थोड़ा सा ग्रो करता है तो यंग बॉय और यंग गर्ल हो जाता है, देन आफ्टर वो मैन में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, और फिर कुछ दिन बाद वो ओल्ड होता है और देन आफ्टर वो डाई हो जाता है.
ठीक है, तो अपने टॉपिक हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, और इससे रिलेटेड जो कुछ दो तीन क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और उसे आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।